तो अब हमने इसको देखते हुए ये सभी इंस्ट्रक्शंस को बनाया है। अभी इंस्ट्रक्शंस को कैसे बनाया है आई विल एक्सप्लेन यू कि इन इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है और इसको हमने कैसे बनाया है। ओके, कितनी इंस्ट्रक्शंस है, काउंट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हियर। वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So here we have total of 25 instructions. So here we have total of 25 instructions. मेरे 25 instructions है. So let us try to understand कि 25 instructions हमने कैसे बनाई और हर एक instruction का मतलब क्या है. सो बेसिकली इफ़ यू टेक एन इंस्ट्रक्शन हियर, अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, सो हियर यू कैन सी इन एन इंस्ट्रक्शन यू हैव द फर्स्ट 4 bit इज ऑपरेशन कोड, जो पहला 4 bit है ऑपरेशन कोड है, एंड रेस्ट 12 bits इज रिप्रेजेंटिंग एन एड्रेस, आखिरी के जो 12 bit है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, तो अब यहाँ पर जो पहले की 4 bit से कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, द कॉम्बिनेशन 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 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
अब इन सभी फोर बिट्स के अंदर ये जो पहली बिट है, दिस बिट हियर, इट इज रिप्रेजेंटिंग आई, ठीक है। तो ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई। तो यहाँ पर भी यू कैन सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर दिस, दिस आर रिप्रेजेंटिंग योर टोटल 7 कॉम्बिनेशंस, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके 7 कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये जो 7 कॉम्बिनेशंस हैं, दिस आर रिप्रेजेंटिंग योर मेमोरी डायरेक्ट, ये मेमोरी डायरेक्ट रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एंड दिस कॉम्बिनेशंस हियर, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी इनडायरेक्ट, ये मेमोरी इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। एंड देन जब आपके पास ये बिट्स वन हो जाती हैं, दीज बिट्स आर वन, दीज बिट्स आर वन, तो यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रजिस्टर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको मैं बाद में क्लियर करूँगा, दीज इंस्ट्रक्शंस आर रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। तो हमने बोला कि ये जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी डायरेक्ट एंड इंस्ट्रक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी डायरेक्ट एडिशन इंस्ट्रक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी डायरेक्ट लोड इंस्ट्रक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी डायरेक्ट स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मेमोरी डायरेक्ट और मेमोरी इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अगर आप चेक करेंगे हेक्साडेसिमल में, इट इज रिप्रेजेंटिंग वैल्यू 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वैल्यू 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, और ये जो है ये हेक्साडेसिमल में 8 को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 10 इज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल ए इन हेक्साडेसिमल, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल सी, दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज कैपिटल ई इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल के कोड्स हैं, सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग फॉर मेमोरी डायरेक्ट एंड मेमोरी इनडायरेक्ट। तो ये सभी जो हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर 7 इंस्ट्रक्शंस, एंड ऑल ऑफ दीज 7 इंस्ट्रक्शंस आर रिलेटेड टू मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, सभी 7 इंस्ट्रक्शंस हैं ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। कौन सी है ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, ओके क्लियर राइट। और जहाँ पर ये वैल्यू 7 आती है, सो दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग 7, तो यानी कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, या कि इन सभी इंस्ट्रक्शंस में हम रजिस्टर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस आर रिप्रेजेंटिंग रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस, ओके।